गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की जो ये वीडियो है ये मानसून प्रिपरेशन के ऊपर है कि बारिश आने से पहले आपको बाइक के या स्कूटर के लिए क्या क्या प्रिपेयर होना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। फ्रेंड्स ये देखो, ये कुछ मैंने लाए जैसे कि ये बटन्स के लिए लगते हैं और ये स्कूटी के लिए। तो मेरे पास एक हंक है और एक एक्सेस है जिसका मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, और ये इंजेक्शन है, मैं इसका मैं यूज़ आपको दिखा दूंगा एड, और ये WD-40 है, और ये चाकू है जो इसको काटने के लिए, जो मिरर के साइड में काटते हैं यहाँ से मिरर को लगाते समय, जिस स्कूटी को मिरर को निकल के फिट करना पड़ता है, उसके बाद वो प्रॉपर काट के मिरर फिट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता ही होगा ये क्या चीज़ है जो हम लोग ये यहाँ पर लगाते हैं। तो ये यहाँ पे लगाने से पहले फ्रेंड्स आपको ये जो स्विचेस है इसमें आपको WD-40 मारना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट बारिश आके गया तो फिर इसमें पानी वानी तो गया ही होगा, तो इसके लिए। और फिर ये निकालने के बाद 4 महीने बाद 5 महीने बाद आपको ये फिर से WD-40 मारना है उसके अंदर। और फ्रेंड्स ये देखो, ये मेरा लास्ट ईयर का ये कवर है जो मैंने हॉर्नेट पर लगाया था। ये ब्रांड है को टिप टॉप का है और ये एकदम क्वालिटी बहुत अच्छा है, और ये क्वालिटी एकदम लो क्वालिटी है, बट ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं गैरेज के जहाँ से पार्ट्स खरीदता हूँ वहाँ पे उसने बोला कि ये लास्ट ईयर का माल है और इस टाइम तो आया नहीं क्योंकि इस टाइम बारिश जल्दी आया था। तो ये देखो, ये एकदम लो क्वालिटी है, बट मुझे मेरा ऑप्शन नहीं था स्क्रीन में परचेज़ किया, देखो लास्ट ईयर का एकदम हेवी क्वालिटी है। लास्ट ईयर मतलब दोस्तों, ये मैं टिप टॉप का 25 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और टिप टॉप का ये जो मेरे पास था एक्सेस का, वो मेरा कुछ 3-4 मानसून निकाला, जैसे कि मैं हर साल निकालता था। और इस टाइम ये मैं लोकल है, टिप टॉप नहीं है, बट ये टॉप करके कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए आपको मैं फिट करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये सभी स्विचेस के अंदर अच्छे से WD-40 मार लिया, अभी ये मैं प्लास्टिक को फिट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स तो ये प्लास्टिक कवर अच्छे से फिट हो चुके हैं। इसका फ़ायदा यही है कि जो अपने स्विचेस है ये ख़राब नहीं होते, इसके अंदर पानी नहीं जाता और अपना बारिश के पानी से सेफ हो जाते। ये मैंने पूरा किट चेंज किया हुआ था क्योंकि जब 2008 में मैंने हंग खरीदा था मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि क्या करना चाहिए, तो मैं इसके अंदर हमेशा ऑयल डालता था सेफर साइड। WD-40 क्या है मुझे तब पता नहीं था, तो उसके अंदर ऑयल डाल के ये इसके अंदर मिट्टी पकड़ता था, जिस दिन आप ऑयल डालोगे उस दिन ये चलता था, उसके बाद ये फिर 2 दिन बाद ख़राब हो जाता था, ये सिग्नल और हॉर्न भी ज़्यादा अच्छे से बचता नहीं था। फिर ये मैंने किट चेंज कर उसके बाद ये मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ, तब से ये मेरा स्विचेस ओके है, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो वही है पुराना, शायद एक बार ये चेंज किया था, मुझे याद नहीं है, बाइक जब गिरा था एक बार तभी। और ये फ्रेंड्स आपको पता ही है स्कूटी में आपको कैसे लगाते हैं। अभी आपको मैं इसका ये जो मैं बताया था आपको इंजेक्शन का मैं यूज़ दिखाता हूँ कि क्या है और कैसे मैं करने वाला हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा हंक है, ये हंक के टैंक में मीन्स बारिश का पानी कभी जाता नहीं, मेरा आज तक तो कभी गया नहीं। तो ये देखो, जैसे आप टैंक ओपन करो तो इसके अंदर एक ये होल है, ये होल क्या है कि जैसे ये ड्रेन पाइप है, इसमें से पानी आउट होता है बारिश का, इसमें से पानी अंदर जाता है और इसके अंदर पानी, इससे पानी आउट होता है ये होल से। तो ये होल कभी कभी चोक हो जाता है, तो ये आपको क्लियर रखना है। मीन्स अगर आप 8 महीने कुछ भी नहीं चेक करोगे तो भी बेटर है, बट बारिश के पहले इसको आपको एक बार चेक करना चाहिए। तो ये होल मेरे पास जितने भी बाइक है ये सभी बाइक में है, जैसे हॉर्नेट में भी है, यूनिकॉर्न में भी है, करिश्मा में है, और सबसे पहले मेरा जो हंक है इसमें भी है। बट जिसका ढक्कन पूरा डायरेक्ट, जैसे डायरेक्ट ओपन होता है, ये पूरा कवर निकलता है, जैसे स्प्लेंडर है, यामा है, उनो बुलेट भी है, तो उसमें ये होल नहीं होता। उसके लिए एक 10 रुपये का एक चेन कवर आता है, वो आप लगाओ तो फिर उससे आपके टैंक में पानी नहीं जाएगा। तो आपको मैं अभी ये दिखा देता हूँ कि इससे ये ड्रेन होल कैसे क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स ये देखो, इसके अंदर मैंने पानी भर लिया, और इसका एक ड्रेन पाइप है, ये देखो, ये आपको कितना वीडियो में दिख रहा है पता नहीं, ये एक मोटा सा पाइप है, और यहाँ पे तो देखो मैं इसमें अभी प्रेशर से मारूंगा। ये ड्रेन पाइप ऐसे होता है जैसे अपने घर में एसी होता है, एसी का जो विंडो के साइड जो आउटलेट निकलता है ड्रेनेज पाइप, वैसे ही ये रहता है जिससे पानी आउट होता है। अभी ये देखो मैं मार रहा हूँ, ये मेरा पाइप मैं क्लियर करता हूँ हर महीने में, मैं ऐसे प्रेशर से मारता रहता हूँ तो मेरा क्लियर ही होगा। ये देखो मैंने पानी मारा, ये देखो पानी नीचे आउट हो गया। तो ये ड्रेन पाइप अगर क्लियर रखोगे तो आपके टैंक में कभी भी बारिश का पानी नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर सील्ड नहीं रहता, ये एक 3 नट बोल्ट पे रहता है, ये बाकी सब नट 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 है, ये 3
नट बोल्ट पे ये फिक्स फिक्स रहता है, बट यहाँ से पानी जाता ही रहता है और यहाँ से पानी जाके फिर यहाँ से आउट होता है। एक और ये होल है, ये मेरा पाइप पुराना होके टूट गया, बट ये अगर चोक होके चोके के पानी भरेगा तो यहाँ से पानी आउट होगा, बट ये एक देखो एकदम स्लोप पे, तो आप कितना भी करो आप इसमें इससे पानी आउट होगा बारिश का, बट ये अगर चोक रहेगा तो ये पानी ये ओवरफ्लो होके ये जो लेवल है इतना जो लेवल है ये लेवल फुल होकर फिर आपके टैंक में पानी जाएगा। तो ये देखो मेरे टैंक का कंडीशन है, मेरा अभी ये बाइक को 13 साल हो गया बट कभी रस्टिंग नहीं हुआ और कभी पानी भी नहीं गया क्योंकि ये मैंने प्रॉपर मेंटेन रखा था अच्छे से। फ्रेंड्स आपको मैं फिर से एक बार दिखा रहता हूँ, ये देखो मैं इंजेक्शन अभी ये इंजेक्शन में पानी भर लिया, ये आपको आराम से मेडिकल में मिल जाएगा। और इसके बाद में अभी देखो पानी देखो कैसे गिरेगा नीचे, ये देखो पानी आया। तो फ्रेंड्स ये बारिश का पानी कोई प्रेशर में नहीं रहता, जैसे ड्रॉप ड्रॉप गिरते वैसे ही इसमें से धीरे धीरे आउट होते रहते। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो का पर्पज़ इतना ही था कि आपको बारिश मानसून आने से पहले आपको क्या क्या बाइक के केयर करना चाहिए, जैसे कि टैंक में पानी नहीं जाना चाहिए, ये अपने जो स्विचेस है इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ये ओके होने चाहिए क्योंकि इसके अंदर पानी जाके इसके अंदर एक नॉर्मल कॉपर पट्टी का कॉन्टैक्ट रहता है, तो वो अगर रस्टिंग खाएगा तो आपका कॉन्टैक्ट होगा ना, जैसे हॉर्न हो गया, सिग्नल हो गया, अपर डिपर हो गया, ये लाइट स्विच हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो यही पे एंड कर देते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ।